मेरा नाम सुरभि चौहान है, मैं जैसलमेर से हूँ। मुझे पीडी की प्रॉब्लम थी, ये मुझे बचपन से है। इसका ट्रीटमेंट के लिए मैंने पहले जोधपुर और अहमदाबाद में भी चेक करवाया था, उसके बाद जैसलमेर में कैंप लगा था गीतांजलि हॉस्पिटल का, हमने वहाँ पे चेक करवाया, वहाँ पे जय भारत शर्मा से किया और फिर उन्होंने हमें गीतांजलि हॉस्पिटल आने को बोला और हमने वही किया और मेरा पीडी का ऑपरेशन हो चुका है अब और मैं फिट हूँ। ये हॉस्पिटल मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का स्टाफ और इनका बिहेवियर वगैरह सब बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया। मेरा नाम गंद सिंह चौहान, जैसलमेर का रहने वाला हूँ और मेरी बच्ची सुरभि चौहान, इसके क्या पीडीए की तकलीफ थी सुर पहले से बचपन से ही, पहनना बताया, जोधपुर बताया, जयपुर भी बताया, उसके बाद अभी हमारे यहाँ कैंप लगा जैसलमेर में गीतांजलि हॉस्पिटल का गीता आश्रम में, जब वहाँ पर डॉक्टर जय भारत साहब को चेक कराया, उन्होंने कहा आप उदयपुर आना, आपका ऑपरेशन करा देंगे आरजीएस कार्ड में, सांस फूल जाता था उनका। उसके बाद तो ठीक था, पहले बताया, उसके बाद अभी थोड़ी सांस में दिक्कत हुई, जब यहाँ पर बताया कैंप में, फिर उन्होंने ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जब यहाँ आए अभी जोधपुर में दिखाया था एक महीना पहले, उन्होंने भी यही कहा भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर इसका यहाँ पर आए और ऑपरेशन सक्सेस हो गया हमारा और अब बिल्कुल ठीक है, इससे कोई दिक्कत वगैरह नहीं और यहाँ की व्यवस्था भी बढ़िया है लगी हमको। नमस्कार, मैं डॉक्टर जय भारत हूँ, मैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर में कार्यरत हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने जैसलमेर के पिछड़े इलाके में अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को मद्देनज़र रखते हुए कैंप आयोजित किया था। इस बच्चे के हृदय में छेद, अमूमन हृदय में छेद की बीमारी बचपन से ही होती है, तो उसके कारण कई लक्षण आते हैं, कई बच्चों में ये नीलापन पैदा करती है, कई बच्चों में लालगी ही रहती है। कैंप लगने के कारण हम उनको जांच पाए, जांच के बाद हमने पाया कि वो छेद है और उसको हमने अगले दिन बुला के एक बड़े ही अति सूक्ष्म सर्जरी से, एक छोटे से छेद से, अपनी छोटी सी एक सुई के माध्यम से ही अपने हम उसका इलाज कर पाए और अगले दिन हमने उसको डिस्चार्ज भी कर दिया। वैसे इसी तरह दूर दराज गाँव इलाकों में हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम कैंप जो जाते हैं गीतांजलि की तरफ से, तो उससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा होता है और लोग हमसे जुड़ेंगे और हम लोगों की मदद उतनी ही कर पाते हैं। हम उम्मीद करते हैं भविष्य में भी ऐसी चीज़ें हम लोगों की मदद कर पाएँ और सुरभि और अन्य बच्चे भी इस सुविधा का लाभ उठाकर आगे अपना हर्षपूर्ण जिंदगी व्यतीत कर पाएँ। आरजीएस कार्ड के थ्रू हमारा ऑपरेशन हुआ है, इसमें जो भी बेनिफिट मिला इसके लिए गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देते हैं।